सुल्तानपुर में तेज रफ्तार एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस चालक का बल्दीराय सीएससी में कराया जा रहा इलाज। मौके पर जमा हुई ग्रामीणों की भारी भीड़। बल्दीराय थाना क्षेत्र के पूरे ठाकुर मिश्र गांव की यह घटना है। सुल्तानपुर में लापता हुए अनिल दुबे, परिजनों ने कुड़वार सुल्तानपुर रोड का आवागमन किया जाम। बासी क्षेत्र में प्रदर्शन कर रोड जाम किया गया। पीड़ित परिवार व ग्रामीणों ने रोड पर बैठकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद व थाना कुड़वार पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। सुल्तानपुर जिले के नोडल अधिकारी प्रांजल यादव बोले, सुल्तानपुर में जल्द भेजे जाएंगे एनेस्थेटिक चिकित्सक। जिला अस्पताल के निरीक्षण के बाद बोले सचिव, मेरी नजर में प्रदेश में ऑपरेशन के लिहाज से अव्वल है सुल्तानपुर। ऑक्सीजन प्लांट, MCH विंग और मरीजों के इलाज की व्यवस्थाएं संतोषजनक। नागरिकों को अस्पताल में COVID-19 टीका नहीं लगने के सवाल पर बचाव की मुद्रा में नजर आए सचिव। अयोध्या में कायस्थ सेवा समाज के अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने अयोध्या लखनऊ नेशनल हाईवे बरेकला स्थित भवदीय आयुष अस्पताल के शुभारंभ पर संस्थापक और निदेशक डॉक्टर हरिओम श्रीवास्तव को शुभकामनाएं दी। इस अस्पताल के खुलने से स्थानीय निवासियों को भी बेहतर चिकित्सा उपलब्ध हो पाएगी। सुल्तानपुर में लापता मासूम का शव मिलने के मामले में परिजन हुए उत्तेजित। सड़क पर बैठकर लगाया जाम, पुलिस के हाथ पांव फूले। मामले को सुलझाने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव घटनास्थल पर पहुंचे। जयसिंहपुर थाना अंतर्गत महमूदपुर सिमरी गांव में मिला था मासूम का शव। स्थानीय पुलिस से उठा एतबार, CBI जांच की हो रही है मांग। अयोध्या में तख्त पर सोना 22 वर्षीय किशन को पड़ गया भारी। काल बनकर सांप ने गले में लिपटकर सिर में उसे डस लिया और अपना शिकार बनाया, जिससे उसकी मौत हो गई। गांव में कोहराम मचा हुआ है। सर्पदंश का शिकार हुए किशोर को इलाज के लिए लखनऊ ले जाया जा रहा था, जब उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। अमेठी विधायिका रानी गरिमा सिंह के हाथों 4 दुग्ध किसानों को मिला नंद बाबा पुरस्कार। संग्रामपुर में ब्लॉक स्तरीय नंद बाबा पुरस्कार वितरण समारोह ठेंगाहा सहकारी दुग्ध उत्पादन समिति पर आयोजित किया गया। यह पुरस्कार उन्हीं किसानों को दिया जाता है जो 1500 लीटर देसी गाय का दूध सहकारी दुग्ध समिति के माध्यम से देता हो। अमेठी में फरियादियों की समस्याओं को सुनने के लिए पुलिस चौकी रामगंज के प्रभारी ने आपसी सहयोग से बैठने का स्थान का निर्माण कराया। 50,000 की लागत से इस भवन का निर्माण कराया गया। आपको बताते चले कि अब भी रामगंज पुलिस छप्पर के नीचे रहती है, जबकि रामगंज चौकी में पुलिस व उनके सहयोगियों के रहने के लिए स्थान सुरक्षित नहीं है और अभी तक शासन द्वारा चौकी के निर्माण के लिए कोई भी सहायता राशि नहीं दी गई है। अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने भारतीय किसान यूनियन अंबावत के दर्जनों किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार पर तीखे कटाक्ष किए। किसानों की 5 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने SDM अमेठी के प्रतिनिधि कानून गोवा लेखपाल को ज्ञापन सौंपा। अयोध्या के पूरा बाजार अंतर्गत ग्राम सभा बरौली के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। अज्ञात ट्रक ने साइड मार दिया, जिससे बस में लगे लोहे का रॉड व्यक्ति के गले को पार करते हुए सीट में फंस गया। परिवार वालों को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अयोध्या में पूर्व सभासद और पार्षद प्रत्याशी स्वर्गीय राजेश सिंह की 1 वर्ष पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रथम श्रद्धांजलि कलवार मंदिर के पास 500 लोगों के बीच में समर्पित की गई। दूर दूर से आए लोग, निषाद समाज के लोग स्वर्गीय राजेश निषाद के फोटो पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सुल्तानपुर जिला पंचायत अध्यक्ष ने फिल्म जख्मी टाइगर का प्रमोशन किया। बल्दीराय के पारा बाजार चौराहे पर भव्य समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह व ब्लॉक प्रमुख बल्दीराय शिवकुमार सिंह के द्वारा फिल्म का प्रोमो लॉन्च किया गया। उषा सिंह बोली, क्षेत्र में फिल्म शूट करने के लिए अच्छी लोकेशन है। अमेठी सेना में भर्ती की मांग को लेकर युवकों का प्रदर्शन। ARO ऑफिस के बाहर सैकड़ों युवकों ने प्रदर्शन किया। सेना में वैकेंसी निकालने को लेकर सरकार से मांग की है। 2 सालों से अमेठी ARO में नहीं हुई है भर्ती। अमेठी समेत कई जिलों में युवक इसको लेकर प्रदर्शन आदि कर रहे हैं। फतेहपुर जिले के बिंदगी कोतवाली क्षेत्र में एक गांव दुष्कर्म से नाकाम दबंगों ने पीड़िता के घर में आग लगा दी। महिला ने SP से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि पुलिस को सूचना देने के साथ तहरीर दी, लेकिन कोई कार्यवाही पुलिस ने नहीं की है।
सुल्तानपुर के भू माफिया नहीं मानते प्रशासन का कोई भी आदेश। बल्दीराय के ग्राम नंदौली में रईस के घर से इस्टे बेनामी की जमीन गांव में स्थित है, जिस पर कफील अहमद अपने साथियों के साथ अवैध निर्माण करा रहे हैं। प्रशासन के किसी भी आदेशों को मानने से इनकार कर रही है। संपत्ति के अवैध कब्जा रोकने हेतु न्यायालय में मामला अभी विचाराधीन है। फतेहपुर जिला कारागार में विचाराधीन कैदियों का भविष्य संवार रहा है। साक्षरता मिशन के तहत जिला जेल में बंद करीब 325 विचाराधीन निरक्षर कैदियों को साक्षर बनाने की पहल की शुरुआत की गई है। इसके लिए 15 बंदी शिक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। सभी बंदी शिक्षक को 25 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय भी दिया जा रहा है। जेल में कुल 1716 पुरुष, 70 महिला और 11 बच्चे बंद हैं। इनमें से 325 निरक्षर कैदियों को छांटा गया है। अमेठी में कोविड की तीसरी लहर को लेकर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने जगदीशपुर ट्रामा सेंटर का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। जिला अस्पताल, 200 बेड का रेफलर हॉस्पिटल व कोविड हॉस्पिटल समेत जिले के सभी 13 सीएससी 30 पीएससी पर मात्र 53 डॉक्टरों के सहारे चल रही है अमेठी और स्वास्थ्य व्यवस्था। आज प्रेस क्लब में सुल्तानपुर प्रेस क्लब की बैठक हुई। क्लब के अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक संचालित हुई। अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने आए हुए सभी पदाधिकारियों और सदस्यों से कहा कि निष्पक्ष होकर खबरों का प्रकाशन करें। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, ये समाज के दबे कुचलों की आवाज बुलंद करने का प्लेटफॉर्म है। वहीं क्लब के संरक्षक श्री शैलेंद्र शुक्ला ने कहा कि वर्तमान समय की पत्रकारिता व्यवसाय का रूप ले रही है, जो पत्रकारिता के पेशे के लिए ठीक नहीं है। इस पेशे से जुड़ने वाले हर व्यक्ति को स्वतंत्र व निर्भीक होकर अपना उत्तरदायित्व निभाने की जरूरत है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पत्रकार एकजुट होंगे। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज